हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरो के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो बात करते हैं, यहाँ पे 23 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है इंडिया का मिनी फेस्टिवल यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग, जो कि सीजन 2 चल रहा है, जहाँ पे इस लीग में आपको टोटल 5 टीम्स आपस में खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर बात करें टूर्नामेंट के 5वें मैच की, जो कि खेला जाए बेंगलोर वुमेन्स और गुजरात वुमेन्स के बीच में। यह मैच 27 फरवरी को बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो जहाँ पे मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 51% देख सकते हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 100% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 0% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का स्कोर 164 है, तो ही सेकेंड इनिंग का स्कोर भी 164 है। अब अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं ओवरऑल, जहां पे बेंगलोर वुमेन्स एक मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पे गुजरात वुमेन्स भी एक मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस में सेशन की जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बात करते हैं पहली टीम गुजरात जायंट्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे एवरेज परफॉर्मेंस के चलते गुजरात जायंट्स पिछले साल 8 मैचों में सिर्फ 2 ही मैच में जीत हासिल की। इसके बाद टीम ने पूरी तरह चेंजेस कर दिया, जहां पे टीम मैनेजमेंट ने कोच रसेल सेंस और पिछले सीजन के 11 अन्य प्लेयर को जाने दिया, जहां पे बेथ मुनी टीम के कैप्टन है। वहीं ओपनिंग में बात करें तो जहां पे बेथ मुनी के साथ लारा वॉलडॉट जो कि बैटिंग करेगी, दोनों बैट्समैन जो कि फॉर्म में दिख रही है। मिडिल ऑर्डर में जहां पे एस गार्डनर है, वेदा कृष्णा मूर्ति जो और फैब लिचफील्ड है, मजबूती और साइकिलिंग लाते हैं। वहीं ऑलराउंडर में जहां पे कैथरीन ब्रीस है, स्नेह राणा और हार्लिन ड्योल टीम की स्टार प्लेयर है। वहीं बॉलिंग में बात करें जहां पे ली ताऊ और कैथरीन ब्राइस के रूप में 2 फास्ट बॉलर आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पे मन्नत कश्यप स्पिन बॉलिंग करेंगे, वहीं मेघना सिंह ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे बेथ मुनी जो कि कप्तान है, लॉरा वॉलडॉट है, हार्लिन ड्योल है, एस्टन गार्डनर है, वेदा कृष्णा मूर्ति है, फॉइब लिचफील्ड है, स्नेहा राणा है, ली ताऊ, मन्नत कश्यप है और सबनेम शकील है, मेघना सिंह है। कुछ की प्लेयर देखते हैं जहां पे बेथ मुनी है, एस गार्डनर और स्नेह राणा है। अब बात करते हैं दूसरी टीम बेंगलोर वुमेन्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे आरसीबी वुमेन्स ने पहले मैच में रोमांचक खेलने लास्ट बॉल में 2 रन से जीतकर मैच हासिल की। वहीं ओपनिंग में जहां पे बैटिंग में टॉप 3 जो भी सोफी डिवाइन, एलेरी पेरी, स्मिथ मंदेना जो कि फ्लॉप चल रहे हैं, नंबर 3 पर जहां पे एस मेघना ने 3 रन बनाए थे। वहीं विकेट कीपर में जहां पे ऋचा घोष ने सबसे ज़्यादा 92 रन की इनिंग फास्ट इनिंग खेली थी। वहीं टीम की ताकत उसके ऑलराउंडर्स में है, जहां पे टीम के पास टोटल 7 बॉलिंग के ऑप्शन है, बॉल के साथ जहां पे सोफी डिवाइन है, रेणुका सिंह डिपेंड वेरिएशन ऑप्शन देगी। वहीं पे शोभना आशा इसकी स्पिन बॉलिंग में कोई समझ नहीं सका, उन्हें 5 विकेट लिए हैं। जहां पे स्पिन बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया के जॉर्जिया वरहम और श्रियंका पटेल भी स्टेबल है। अब बात कर देंगे प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे सोफी डिवाइन है, लेस पेरी है, स्मृति मंदाना जो कि कप्तान है, सैबनी मेघना है, ऋचा घोष है विकेट कीपर है, मोइल न्यूक्स, जॉर्जिया वरहम है, श्रेयस पाटिल है, शोभना आशा, रेणुका सिंह है और सिमरन बहादुर है। अब बात करते हैं कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे सोफी डिवाइन है, एलियस पेरी है और स्मिथ मंदना है। तो फाइनली दोस्तों हमारे एक चीज पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच मैंने यहाँ पे गुजरात वुमेन्स होगा, क्योंकि गुजरात वुमेन्स की टीम यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, यहाँ पे मैच इजिली वे में जीत सकती है, यहाँ पे बेंगलोर को हार मिल सकती है। तो इससे इंटरेस्टिंग वीडियो का हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।